दादे, स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, इस समय टाइम हो रहा है लगभग 11 बज रहा है और आप देख सकते हो कि मैं बैठी हूँ अपने गजब बड़ा पाव रेस्टोरेंट में। हाँ जी, तो फिलहाल आपको तो पता चल ही गया होगा कि हम जो है गजब बड़ा पाव की लॉन्चिंग जो है कानपुर सिटी में कर चुके। सो गाइस, तो फिलहाल जो महाराष्ट्र का टेस्ट है, जो मुंबई वाला वड़ा पाव है, वो हम अपने कानपुर में भी लेकर आ गए हैं। सोचा 8-10 साल बाद, मतलब कि 8-10 साल पुणे में रहने के बाद, सोचा क्यों ना जो यहाँ का वड़ा पाव का टेस्ट है अपने कानपुर वालों को, अपने कानपुर शहर को जो है चखाया जाए। फिलहाल आजकल जो है ना वड़ा पाव तो शहर में एक दो जगह मिल रहा है, लेकिन आजकल तो फिलहाल वड़ा पाव का ट्रेंड है और वड़ा पाव में तो जैसे पूरी आग लगी हुई है जब से वड़ा पाव गर्ल फेमस हुई है दिल्ली में। तो फिलहाल वड़ा पाव गर्ल को कौन नहीं जानता, और तब से जो है ना वड़ा पाव बिल्कुल फेमस हो गया और ट्रेंड में है इस समय वड़ा पाव। तो मैंने सोचा क्यों ना कि मैं भी जो है ना क्यों ना जो है जो महाराष्ट्र का जो टेस्ट है, जो पुणे का, जो मुंबई का वड़ा पाव है, जो बिल्कुल अपने कानपुर का समोसा और पुणे का वड़ा पाव, बात देखिए मुंबई का वड़ा पाव, तो फिलहाल क्यों ना अपने मुंबई के जो मुंबई का वड़ा पाव है, क्यों ना उसको अपने कानपुर वालों को खिलाया जाए। तो फिलहाल बस वड़ा पाव, मिसल पाव और कुछ और फेमस महाराष्ट्रीय फूड है जिनको लेके जो है आ गई हूँ मैं अपने गजब वड़ा पाव रेस्टोरेंट में। और मैंने कर दी ओपनिंग गजब वड़ा पाव रेस्टोरेंट की, और जैसा कि आप जानते हो क्लाउड किचन तो मेरा फिलहाल जनवरी से चल रहा है। क्लाउड किचन में सबने वड़ा पाव, मिसल पाव और जो भी महाराष्ट्र फूड है मेनू में, सब लोगों ने बहुत पसंद किया है। उम्मीद करती होंगे इस गजब वड़ा पाव रेस्टोरेंट में भी महाराष्ट्र फूड को बहुत पसंद किया जाएगा और आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलेगा। तो फिलहाल दोस्तों, अभी तो मैं अपने रेस्टोरेंट में बैठी हूँ और अभी तो फिलहाल पूरे दिन मुझे अपना रेस्टोरेंट अच्छे से मैनेज करना है, अच्छे से चलाना है, अपने कस्टमर को अच्छे अपने प्यारे प्यारे कस्टमर्स को जो है ना बढ़िया ऑसम टेस्टी वड़ा पाव बनाकर खिलाना है। सो गाइस, तो आज है 25 जून और आज है बहुत ही स्पेशल दिन। तो फिलहाल आज है हमारे घर के छोटे मेंबर अभिराज चौहान का, यानी अभी का बर्थडे। निशु और शिवानी के बेटे अभी का आज बर्थडे है। हाँ जी, तो आज हमें बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जाना है। तो बर्थडे पार्टी जो है ना हम लोगों ने घर पे नहीं रखी है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग जो है ना बर्थडे बाहर होटल में ही सेलिब्रेट करेंगे जाके। तो फिलहाल रेस्टोरेंट तो मेरा टाइम से ओपन हो गया है और आज मुझे टाइम से शाम को टाइम से जो है बढ़ा भी देना है क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेशन यानी बर्थडे पार्टी के लिए मुझे जाना है। तो फिलहाल अभी रेस्टोरेंट में मैं आ चुकी हूँ और अभी पूरे दिन संभालूंगी अपना रेस्टोरेंट। तो अभी यहाँ पे रेस्टोरेंट में मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ मॉर्निंग में आते हैं निशु, मेरे देवर निशा चौहान, वो मेरे साथ मॉर्निंग में रेस्टोरेंट पे आते हैं क्योंकि क्या है ना चौहान साहब यानी मेरे पतिदेव मॉर्निंग में मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे साथ नहीं आ पाते क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि उनकी नाइट शिफ्ट जॉब रहती है, तो उनका मॉर्निंग में सोना होता है 4 बजे के आसपास, तो नींद भी प्रॉपर लेना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल वो जो है अच्छे से प्रॉपर 6 घंटे की नींद लेके 11-12 बजे तक रेडी होकर प्रिपेयर होकर पूरा रेस्टोरेंट पर आते हैं, तब मैं घर जाती हूँ रेस्ट के लिए। तो फिलहाल अभी यहाँ पर मैं और निशु हैं, तो बस यहाँ पर चौहान साहब भी 11-12 बजे तक चौहान साहब भी आ जाएंगे। फिलहाल पूरे दिन चलिए अच्छे से मैनेज करती हूँ अपना रेस्टोरेंट और उसके बाद फिर शाम को रेडी होके निकलेंगे अभी के बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए। लेट्स गो। चश्मा लगा लो। चश्मा तो लगा लेती हो। हीरोइन मालूम तो पड़े, हीरोइन कौन सी आई है? दीपिका पादुकोण आई है। चश्मा लगा मधु भाई, इधर से बनाओ, हम सब सबका वीडियो बनाते हैं। वीडियो चल रहा है। मंजू धन्यवाद। हम खुशी का हाथ पकड़ लेते हैं, पहले खुशी का हाथ लेंगे, सब लोग कौन दे हाँ चलो बनाना आप
अभी खाए गाइस। तो यहाँ पे देखिए केक कट चुका है और केक कटने के बाद अब हम लोग जो है ना खाने पीने बैठ गए। स्नैक्स टाइम हो चुका है तो यहाँ पे स्नैक्स चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने स्टार्टर में हमने लिए है नूडल्स और ड्राई मंचूरियन और क्या था और मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, दो तीन आइटम थे स्टार्टर में। तो और यहाँ का चलिए बात करते हैं इस रेस्टोरेंट की। तो ये रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही औसम था और बहुत ही ज़्यादा महंगा रेस्टोरेंट नहीं है। प्राइस हर चीज़ के तो बहुत ही रिजनेबल थे, मतलब हम लोग इतने सारे लोग थे और बहुत ही अपने बजट में, मतलब 3-4 हज़ार में अच्छी खासी पार्टी करके आ गए। और सबसे बड़ी बात तो ये रेस्टोरेंट ना पूरा बस के उस पर बना हुआ है, बस का पूरा में लुक दिया गया है। और इस रेस्टोरेंट का नाम ही है द कानपुर बस एक्सप्रेस करके इस रेस्टोरेंट का नाम था। ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा बना था, ये रूमा साइड था, हाईवे पे रूमा साइड था। और कानपुर में इतना अच्छा रेस्टोरेंट है हमें पता ही नहीं था, वो तो निशु ने पता नहीं कहाँ से ढूंढ के निकाला कि आज आप लोगों को ले चलते हैं द कानपुर एक्सप्रेस बस एक्सप्रेस में। तो फिलहाल यहाँ पे जो है ना, जब हम लोग आए तो हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे इतना अच्छा रेस्टोरेंट है और मुझे नहीं पता है। तो फिलहाल हम लोगों ने अभी का बर्थडे मनाया बस के अंदर। तो फिलहाल पहली बार ऐसा मैंने देखा कि हो रहा है कि लास्ट टाइम जो है ना अभी का बर्थडे सब लोगों ने मिलके मनाया था मेट्रो ट्रेन के अंदर और इस बार अभी का बर्थडे मन रहा है बस के अंदर। तो हर बार किसी ना किसी जो है ना ट्रैवल्स उसमें ही अभी का बर्थडे ऐसे ही मनता जा रहा है। तो फिलहाल हम लोगों ने बस के अंदर अभी का बर्थडे मनाया तो बहुत अच्छा लगा। और अभी की बर्थडे की पार्टी हम लोगों ने ऐसे कुछ खास प्लान ही की थी लेकिन बहुत ही औसम, बहुत ही डिसेंट पार्टी हो गई अभी की, बिल्कुल यूनिक। तो फिलहाल यहाँ पे जो है डिनर चल रहा है, ये निशु है और ये निशु के दोस्त हैं मधुसूदन भैया, ये हमारी मौसी सासूमा हैं बिंदु मौसी यानी अभी की दादी, और सामने बैठी है मेरी मम्मी यानी मेरी सासूमा शिवानी अभी। और साथ में शिवानी ने इन्वाइट किया था अभी के बर्थडे में अंकुश और काजल को और कुक्कू को। कुक्कू अभी की जो है बहुत ही खास फ्रेंड है, दोनों की आपस में बहुत बनती है, तो कुक्कू भी आई थी अभी के बर्थडे में शामिल होने के लिए। तो सारे बच्चों ने, कुक्कू ने, खुशी ने, अभी ने मिलके बहुत मस्ती की। तो यहाँ पे सुमित की गोद में जो है ना कुक्कू और खुशी दोनों बैठे थे। खुशी कह रही थी कि मैं अपने डैडू के पास बैठूंगी और कुक्कू कह रही थी कि मेरे फूफा जी हैं, मैं अपने फूफा जी के पास बैठूंगी। तो दोनों ही सुमित के पास बैठी हुई थी। तो ये जो रेस्टोरेंट है ना मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने अभी ना डिसाइड कर लिया है कि नेक्स्ट मेरा बर्थडे हो या सुमित का बर्थडे हो या कोई भी सेलिब्रेशन हो, मैं इसी रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ करूँगी आके। क्योंकि क्या है ना, आजकल रेस्टोरेंट तो बहुत सारे होते हैं शहर में और रेट भी सबके एक से एक हाई होते हैं, पैसा खर्च करना नहीं खलता है, लेकिन जब मन मुताबिक खाना और खाने का टेस्ट नहीं मिलता है, फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है ना, तो फिर पैसा खर्च करना खल जाता है। तो फिलहाल ये रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा था और बहुत बड़े एरिया में बना हुआ था और इस रेस्टोरेंट को जो है ना पूरा बस के अंदर बनाया गया था और यहाँ के रेट भी कुछ ज़्यादा हाई नहीं थे, बहुत बढ़िया, बहुत ही बजट में था। तो ये रेस्टोरेंट मुझे बहुत पसंद आया, द कानपुर बस एक्सप्रेस इस रेस्टोरेंट का नाम है जो कि रूमा साइड रोड पे है। तो बस यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे हम लोगों का भी तो नूडल्स और ये ड्राई मंचूरियन वगैरह हम लोगों ने लिया था। तो इस नेक्स्ट टाइम में यही सब कुछ चल रहा है, नूडल्स, ड्राई मंचूरियन। और पता है यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी था, खाने में बहुत स्वाद था। तो नाश्ता हो चुका है यहाँ पे, फिर हमने केक वगैरह भी, केक तो हम लोगों ने नीचे कट किया था, नीचे ग्राउंड एरिया दिया हुआ था और बहुत अच्छा डेकोरेशन था। तो अगर इन लोगों को आप पहले बता दो कि आप बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हो तो ये और अच्छा से जो है और अच्छा अरेंजमेंट कर देते हैं और तुरंत भी अगर आप पहुंच जाओ। हम तो यहाँ पे पहले से नहीं बताकर, पहले कोई बुकिंग करके हम नहीं आए थे, हम यहाँ पे तुरंत ही आए थे, फिर भी इन्होंने बर्थडे का बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट कर दिया। ये पीछे बर्थडे का टैग लगा देते हैं, ग्रैंड एंट्री करवा देते हैं, फोटोशूट और वीडियो सब कुछ ये जो है कर देते हैं और इसके कोई भी चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री। तो बस यहाँ पे केक वगैरह काटने के बाद हम लोग जो है ना खाने की टेबल पे आ गए। तो यहाँ पे स्टार्टर में हम लोगों ने नूडल्स और ड्राई मंचूरियन खाया जो कि बहुत ही टेस्टी था और उसके बाद यहाँ पे लग गया है खाना। तो खाने में यहाँ पे हम लोगों ने ली थी हांडी पनीर थी, अरहर दाल थी और राइस थे और बटर नान थी, सैलड था और मीठे में तो हमारे पास केक है ही। तो बस यहाँ पे ना बस मस्त हंसी मजाक हो रहा था, खूब इंजॉय हो रहा था, हंसी मजाक हो रहा था, एक दूसरे की खिंचाई हो रही थी और साथ में खाना हो रहा था। तो बस यहाँ पे अंकुश, काजल, निशु और निशु के जो फ्रेंड हैं और बिंदु मौसी यानी अभी की दादी, मेरी सासू माँ शिवानी और मैं, हम सिर्फ इतने ही लोग थे जो कि हम लोग
अभी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग इस बस वाले रेस्टोरेंट में आए थे। तो कभी आपको भी मौका मिले, आप भी अच्छा सेलिब्रेट करना चाहते हो, अच्छा खाना खाना चाहते हो, तो आप कानपुर के इस रेस्टोरेंट में, द कानपुर बस एक्सप्रेस रेस्टोरेंट पे आप जो है जा सकते हो। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। तो फिलहाल यहाँ पे मेरा तो, मैं तो सुबह से मैंने अपना रेस्टोरेंट ऑन किया हुआ था, पूरे फुल टाइम मैं रेस्टोरेंट पे थी, पूरे दिन रेस्टोरेंट पे थी। हाँ, बस आज शाम को थोड़ा सा रेस्टोरेंट हम लोगों ने जल्दी बढ़ाया, क्योंकि अभी तो हमने रेस्टोरेंट की ओपनिंग की है 22 जून को। तो बस अब अपने रेस्टोरेंट में कमर कस के मुझे और मेरे पतिदेव को लग जाना है, खूब मेहनत करनी है, अच्छे से चलाना है। तो हम लोगों ने 8, 8:30, 9 बजे हमने जो है ना अपने रेस्टोरेंट बढ़ा दिया था, और रेस्टोरेंट से सीधा निकल के हम लोग यहाँ पे इस द कानपुर बस एक्सप्रेस रेस्टोरेंट में चले आए थे अभी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो बस यहाँ पे हम लोग अंकुश काजल का इंतजार कर रहे थे, और अंकुश काजल जैसे ही घर आए वैसे ही हम लोग निकल लिए रेस्टोरेंट के लिए। तो बस यहाँ पे देखिए डिनर हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सामने मैंने दिखाया हुआ है, ये बाहर से बाहर की एंट्री है रेस्टोरेंट की, यहाँ से बाहर से अंदर की ओर आते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने आपको पूरा रेस्टोरेंट दिखाया, बहुत ही अच्छा था। बच्चों के लिए झूले थे, और बच्चों के लिए छोटा सा स्विमिंग पूल बना रखा था जिसमें पानी वाली गाड़ियाँ थी, बच्चे बैठ के गाड़ी चला सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, और बच्चों के लिए झूले थे, गाड़ियाँ थी, मतलब सब कुछ था, वो भी बिल्कुल फ्री था, कोई चार्जेस नहीं थे। तो यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, और फ़ोटोशूट के लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है, कि फ़ोटोशूट तो आप यहाँ पे बहुत ही अच्छा करवा सकते हो, ऑसम करवा सकते हो। और अगर आप इनको बोल दो तो ये आपका जो है ना फ़ोटोशूट, ये रील्स वगैरह जो है ये अच्छे से बना के अपने इनकी जो ये द कानपुर बस एक्सप्रेस करके इनकी आई जो गूगल पेज भी है इनका, तो उस पर ये रील अपलोड कर देते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आके हमें बहुत अच्छा लगा। तो रात का 11 बज चुका था, अब हम लोग अभी का देख सकते हैं द कानपुर एक्सप्रेस बस एक्सप्रेस करके रेस्टोरेंट का नाम सामने दिखाया हुआ है, और यहाँ पर कितनी भीड़ है आप वो भी देख सकते हैं। दोस्तों बस यही था हमारा आज का ब्लॉग, चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।